अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं आलू और चने की अखनी। ग्रीन चने की अखनी बना रहे हैं। आधा किलो ग्रीन चने थे और आधा किलो आलू। पहले प्याज ब्राउन करके नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर सब का मसाला बना के अंदर चने डाल दिए। अब इनको चनों को अच्छी तरह गला लेंगे क्योंकि ये ग्रीन चने हैं। जब तक इनको अच्छी तरह ना गलाएं तो फिर मज़ा नहीं आता, ये पेट में भी दर्द हो सकता है। अच्छी तरह गला के तो फिर अंदर ये चार गिलास हमारे पास चावल है, ये दो के रख लेंगे। ये आलू और चने गल गए, बड़ी अच्छी तरह भुन गई। अब हम इसमें पानी डाल के ना, पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम उसमें चावल डाल देंगे। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये बड़े मजे के बनते हैं चावल, तो आप लोग बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जो है ना, दो ये वाले पत्ते पानी के डाल दिए, चने गल दिए, आलू भी गल दिए। पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर उसमें चावल भी डाल दिए हैं। अब देखिए गल रहे हैं चावल, थोड़ी देर बाद पानी मुश्क हो जाएगा तो उसको दम दे देंगे, फिर इसको निकाल के तो डिश आउट करेंगे। चने और आलू का सालन भी बड़ा मज़े का बनता है सफ़ेद चावलों के साथ, और इसकी अहनी भी बड़ी मज़े की बनती है। थोड़ा सा मटन भी डाल देते तो अच्छा था, लेकिन आज हम लोग लेट हो गए इस वजह से मटन नहीं डाला। एंड पे हम लोगों ने थोड़ी सी शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और बंद गोभी काट के डाल दिए डेकोरेशन के लिए। उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। चावल पक गए, अदरक के पास ही रहने मामा जी नहीं ले दे। चने और आलू की तैयार है, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। अखनी को हमने डिश आउट कर दिया है। ये इमली, पुदीना, अनारदाना, हरा धनिया, हरी प्याज, नमक, मिर्च डाल के तो ये चटनी बना के रायता बनाया, बड़ा ही डिफरेंस है। लहसुन भी डाला उसमें, टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें। ये हमने टेबल सेट कर दी है, अभी हम खाना खाने लगे। ये हमारी विलेज रूटीन है, शाम का खाना हम लोग खाने लगे हैं। ये साथ दही करा, दही है और ये साथ रायता है। प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मजे की अखनी बनी है चने और आलू की। और जम गए अनारदाना, इमली, लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना, बड़ी मजे की चटनी बनी है, बड़ी जबरदस्त। अनारदाना, लहसुन, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें।